आपके लिए एक पास्ता डिश बनाने वाली हूँ विच इज मेड वे हेल्दियर बाय एडिंग समथिंग विच इज रिच इन आयरन. मैंने स्पिनच थोड़ा सा चॉप करके रखा हुआ है एंड देयर इज अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर रेडी फॉर द पास्ता. तो इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे. बी जेनरस विद द सॉल्ट क्योंकि पास्ता में कुछ फ्लेवर नहीं होता एंड वी रियली नीड टू फ्लेवर इट विद सॉल्ट. सो जब तक ये बॉइल हो रहा है वी विल चॉप अप सम टमेटोज. ये एक बहुत ही सिंपल सा पास्ता डिश है. इसमें मैं एक सिंपल टमेटो सॉस बनाने वाली हूँ विथ लिटिल बिट ऑफ स्पिनच एंड उससे ये और भी फोर्टिफाई हो रहा है. आई एम एडिंग अ लॉट ऑफ आयरन टू इट बाय यूजिंग स्पिनच एंड टमेटोज आर एनीवे रिच इन विटामिन ए, रिच इन लाइकोपीन, ग्रेट समर फ्रूट. अगर आप चाहें तो एक टमेटो सॉस जो कैंड वेरिएंट होता है यूज़ कर सकते हैं बट आई प्रिफर यूजिंग समथिंग विच इज़ फ्रेश. आप टमेटोज को फाइनली चॉप कर दीजिए. इसे हम पल्पी बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर यू चॉप इट रियली फाइन. इसके सीड्स भी ऐड करेंगे हम. जस्ट कीप एन आई ऑन द बॉइलिंग वाटर एज वेल. जैसे ही उबलने लगे उसमें हम पास्ता ऐड करेंगे. एंड आई ऑलवेज लाइक यूजिंग होल व्हीट पास्ता. कंपेयर टू मैदा होल व्हीट फ्लावर इज वे हेल्दियर एंड उससे थोड़ा अलग टेस्ट भी आ जाता है विच आई रियली रियली लाइक. हमारा पानी ऑलमोस्ट बॉयल होने लगा है. आप टमेटो सॉस पहले से ही बनाकर रख सकते हैं और इसे फ्रीज कर दीजिए. तो जब भी आप चाहे पास्ता बनाना हो तो आप उसे डिफ्रॉस्ट कर लीजिए. यूज ऑफ फ्यू स्पूंस ऑफ इट एंड यू कैन मिक्स इट विद योर पास्ता. हमने टमेटोज चॉप कर लिए हैं एंड नाउ वी जस्ट नीड टू स्टार्ट कुकिंग इट. सो वी हैव अ गार्लिक, अनियंस है हमारे पास, सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा शुगर एंड चिली फ्लेक्स एंड इसे हम कुक करेंगे स्पिनच के साथ और थोड़ा बेसिल लीव्स जस्ट इन द एंड. सो हमारा पानी बॉयल होने लगा है सो आई विल जस्ट ऐड द पास्ता टू इट. ये पेनी पास्ता है. देर आर ओवर 200 वेरियंट्स ऑफ पास्ता सो आप जो चाहे यूज कर सकते हैं. कंप्लीटली अप टू यू. एंड पेनी, फ्यूसली, फेटुचीनी, स्पगेटी, ये सब मेरे फेवरेट वेरियंट्स हैं. ओके सो एक दूसरा फ्लेम ऑन कर लेते हैं हम. इसमें हम अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे. आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन यूजिंग ऑलिव ऑयल. इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे एंड देन इसे फ्लेवर करेंगे गार्लिक के साथ. गार्लिक इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्लेवरिंग एजेंट्स अदर देन अनियंस. गार्लिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है सो इट्स ग्रेट टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन. रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो इट्स ग्रेट फॉर वुमेन एंड इट फाइट्स इन्फेक्शन. सो इफ डेफिनेटली इफ यू हैव एनी कोल्ड, फीवर, आप इसे कंज्यूम कीजिए. सो इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे ऑलिव ऑयल में. इसे हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे. जस्ट लव द फ्लेवर ऑफ गार्लिक. जैसे ही आप इसे ऑयल में डालते हैं जस्ट स्मेल सो गुड. नाउ वी विल ऐड आवर अनियंस. अनियंस को हम सॉफ्ट करेंगे. उसका कच्चा फ्लेवर जाना चाहिए तो इसे ट्रांसल्यूसेंट होने तक कुक करने वाले हैं हम. माई नंबर वन रूल वेल मेकिंग पास्ता इज जैसे ही आपका पास्ता रेडी हो आपका सॉस भी रेडी होना चाहिए. सो इफ योर पास्ता इज गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग आप पहले से ही स्टार्ट कर लीजिए इसे बनाने के लिए एंड देन कीप द पास्ता रेडी सो दैट आप सॉस के साथ मिक्स कर सकें. अब अनियन थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने लगा है. इसमें आप टमेटोज ऐड करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टमेटो सॉस बनाने के लिए फ्रेश टमेटोज जो एब्सोल्युटली राइप है वो यूज़ करें. उसमें बहुत अच्छा स्वीटनेस होता है और ज़्यादा खट्टा नहीं होता है. As soon as you add the tomatoes, put it on high flame. और इसमें नमक ऐड कर दीजिए. मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है तो अब नमक से सब पानी छूटने लगेगा टमाटर का एंड इट विल बिकम रियली नाइस एंड पल्पी. आई हैव अ फ्रेंड हुज ग्रैंड मॉम इज इटालियन एंड
वो बहुत ही अच्छा पास्ता बनाती है एंड शी मेक्स अमेजिंग अमेजिंग पास्ता सॉस. एंड वो हमेशा कहती हैं कि ऑलवेज टेक योर टाइम वाइल मेकिंग योर पास्ता सॉस, द मोर लव यू पुट इनटू इट द बेटर इट टेस्ट. सो मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ जो कहती है. दैट रूल अप्लाइज फॉर एवरी डिश आई बिलीव. द मोर लव यू पुट इनटू इट, जो मन से आप बना रहे हैं बहुत अच्छा टेस्ट करने लगता है. सो आप देख सकते हैं टमेटोज बहुत सॉफ्ट हो गए हैं. टमेटोज काफ़ी एसिडिक होते हैं, मतलब खट्टा होता है, तो उसका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो. आई एम जस्ट गोना टेक पहली 1 टीस्पून शुगर. एंड जैसे ही आप स्टर कर रहे हैं जस्ट मैश इट एज वेल. इसको बहुत ही सॉसी बनाना है. अगर आप चाहे तो इसे ब्लेंडर में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं ताकि पूरा चंकी सॉस बन जाए ये, बट आई लाइक इट एज इट इज. सो व्हाइल दिस इज कुकिंग लेट्स टेक अ लुक एट आवर पास्ता. पास्ता विल टेक अबाउट 2 or 3 minutes मोर. यूजली अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाकर पास्ता ऑर्डर करें तो पास्ता बहुत ही मुशी हो जाता है. इफ़ यू जस्ट प्रेस इट बिटवीन योर फिंगर्स इट जस्ट डिसइंटीग्रेट्स. दैट इज़ नॉट हाउ पास्ता शुड बी कुक विथ अ लिटिल बिट ऑफ बाइट टू इट. एंड बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता चला है दैट अ पास्ता टेक्स ओनली 8 to 10 minutes टू कुक, नॉट मोर देन दैट. तो आप जब भी पास्ता कुक कर रहे हैं याद रखें कि आपको 8 to 10 minutes चाहिए उसे बॉयल करने के लिए. अब टोमेटोज में हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे. मुझे स्पाइसी पसंद है तो आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ पेपर एज वेल. ओके, अब हम इसमें स्पिनच ऐड कर लेंगे. स्पिनच को मैंने क्लीन कर लिया है एंड ऑल वी हैव टू डू इज चॉप इट इनटू हाफ. पूरा बंच ले लीजिए एंड रोल इट अप. 1 and 2, दैट्स इट. यू डोंट नीड मच मोर टू डू. इसे हम ऐड कर लेंगे. And lower the heat. Spinach को 1-2 minutes में आप देख लेंगे कि wilt हो जाएगा. So don't worry about it. It doesn't look that much. Let's take a look at our pasta again. Our pasta is almost ready. आप जब भी पास्ता बना रहे हैं make sure आप पूरा का पूरा पानी ड्रेन आउट ना करें. वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर क्योंकि इसे हम ऐड करेंगे हमारे सॉस में. एंड एज यू कैन सी सॉस थोड़ा सा ड्राई है. इंस्टेड ऑफ एडिंग मोर वाटर ये जो पानी है यही यूज़ कर सकते हैं हम. हमारा स्पिनच विल्ट हो चुका है. थोड़े से बेजल लीव्स ले लेते हैं. बेजल लीव्स आर ग्रेट इन पास्ता सॉस. यू कैन स्मेल हाउ ऑसम इट टेस्ट. एंड मुझे इसे फाइनली चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है. जस्ट टेक थोड़े बड़े पत्ते एंड उसे ब्रेक कर दीजिएगा. आई एम यूजिंग अबाउट 4 basil leaves. इसे एंड में डालिए ताकि उसका फ्लेवर रिटेन हो. यू डोंट वॉन्ट इट टू कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट और बहुत ही मशी नहीं होना है. आई वॉन्ट दैट बेजल फ्लेवर.